अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वाकई में हमें कहना पड़ेगा कि शरीफ तो वो हैं जो इन दोनों के काम नहीं जानते। इनकी बुजुर्गी पे मत जाइएगा, इनकी दाढ़ी पे और इनके बढ़ापे पे मत जाइएगा, बल्कि इनके काम देखिए। और आज की वीडियो पे जहाँ पे भी पसंद आए लाइक की रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अब जनाब, ये 78 साल बुज़ुर्ग हैं और ये खातून तकरीबन 54 साल हैं, और बुढ़ापे की इस उम्र में इन दोनों ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो उमूमन जवानी में कई लोग, कई मोहब्बत करने वाले देने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ज़िंदगी एक साथ गुजारी जाए। जब मौके नहीं मिलते, मजबूरी की हालत में अलहदगियाँ हो जाती हैं, तो उनके ख्वाब होते हैं कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में ज़रूर एक दूसरे को हमेशा के लिए हासिल कर लिया जाएगा। तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को हासिल करने के लिए बड़ा इंतज़ार किया, और 78 साल के बुज़ुर्ग और 54 साल खातून ने कोर्ट में जाके निकाह किया, और उसके बाद ये एक दूसरे को मुबारकबाद देते और मिठाई वगैरह खिलाते नजर आए। अब देखिए ज़रा कि माशरे के कुछ गलत फ़ैसलों का ये नतीजा बाज़ दफ़ा निकलता है कि सारी ज़िंदगी लोग हमेशा निकाह की कोशिश, निकाह के चांसेस वगैरह की तलाश में कई बार सिना कर बैठते हैं। ये एक ऐसी बुराई है, ऐसी हकीकत भी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पसंद करने वाले आज के दौर में एक दूसरे के शर से बच नहीं पाते, और ईमान के उस लेवल पे कायम नहीं रहा जा सकता कि एक दूसरे को बुराई से बचाया जा सके। कम से कम नजायज़ ताल्लुकात उस नहज पे ज़रूर ले जाते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे से रवाबित बढ़ाने के लिए भी काफ़ी हैं, और रवाबित के साथ साथ मामलात बुराइयों और ज़िना की हद तक पहुँच जाते हैं, फिर असल में बर्बादियाँ मुकद्दर बनती हैं। हर कोई इन दोनों जैसा खुशकिस्मत नहीं होता कि एक दूसरे को अपना ले। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हर एक को बुराइयों से महफूज रखे। आज की वीडियो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और अपनी आरा भी दीजिएगा इसके हवाले से कि आपको ये कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।